नमस्कार। रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं इस देश के जाने माने संतूर वादक पंडित धनंजय देहलंकर जी से। इस इंटरव्यू के पिछले हिस्से में आपने उनके संगीत सफर की शुरुआत के बारे में जाना, तबले से संतूर पर वो कैसे आए ये भी जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि पंडित शिवकुमार शर्मा जी के साथ उनकी संगीत की तालीम कैसे शुरू हुई। इस हिस्से में पंडित शिवकुमार शर्मा जी के साथ उनके गुरु शिष्य रिश्ते पर कुछ और खास बातचीत। दूसरा हिस्सा देखिए। अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं और चूंकि आपने पूरा विस्तार से बता दिया कि शिव जी के साथ कैसे मुलाकात हुई, फिर कैसे सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। क्या कभी आप उनको ये आपने बताया कि आप भी पहले तबला बजाते थे? क्योंकि ये शायद सब्सक्राइबर्स को बताना जरूरी है जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि पंडित शिवकुमार शर्मा भी खुद पहले तबला ही बजाते थे, और वो तो मतलब उन्होंने तो एक बहुत बड़े कार्यक्रम में बहुत दिलचस्प, और वो किस्सा आपको भी पता ही होगा जब वो इस जिद पे अड़ गए कि मैं पहले संतूर बजाऊं, पहले तबला बजाऊंगा और उसके बाद संतूर बजाऊंगा, और आयोजकों को माननी पड़ी वो बात। और चूंकि शिव जी का स्नेह रहा मेरे प्रति, मेरी संस्था के प्रति, एक लंबा इंटरव्यू करने का सौभाग्य मुझे मिला था उनका, जिसमें उन्होंने ये पूरा किस्सा बहुत विस्तार से बताया था कि कैसे वो अड़ गए और फिर फाइनली मानना पड़ा तब, जबकि वहां पर उस प्रोग्राम में तबले के उस वक्त के भारत के सारे दिग्गज कलाकार मौजूद थे, वो चाहे थिरकवास खां साहब हों या फिर चाहे वो बनारस के तमाम बड़े बड़े कलाकार। आपने कभी उनको बताया कि आप भी तबला बजाते थे पहले? हाँ, उनको तो पता था मतलब तबले का। और ऐसा है कि शायद उनको ये भी मतलब एक मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि उनको तो पता था, लेकिन वो जो कुछ बातें सिखाते थे वो मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकता था। उसका शायद रीजन ये भी हो सकता कि मैं मेरी तबले की जानकारी बहुत अच्छी थी पहले से। तो मतलब अभी उसमें एक पॉइंट जो अभी बाद में ऐसा हो गया कि मैं, आपको पता होगा मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ एकेडमिकली, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन किया। तो जब मैं शिव जी के पास सीख रहा था तो उसी वक्त भी मेरा साइमल्टेनियस ये चल रहा था। तो शिव जी मतलब तबले का ये जानते थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी को संतूर सीखना है तो उसको तबला सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है अभी। फॉर्चुनेटली डेफिनेटली ये एक बात है कि अगर पहले से आप जानते हैं तबला मालूम तो 100% आपको इसका फायदा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि इसके लिए, क्योंकि क्या है तबला सीखना और बजाना ये एक अलग सी संतूर या और दूसरा कोई आर्ट या गाना सीखने के उतना ही उसको रियाज करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो एक अलग सा फिर आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ऐसा होता है। तो ऐसा होता है कि अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने को, तो कई तबला बिल्कुल नहीं सीखे होते, लेकिन उनका हमेशा के लिए पहला क्वेश्चन यही होता है कि उनको एक दिमाग में रह गया है कि पहले शिव जी संतूर बजाते थे, मेरे पास आते तो मेरे भी इंट्रोडक्शन में मैं भी तबला पहले सीखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो जानकारी चाहिए वो हम संतूर बजाते समय भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी डेफिनेटली संतूर एक तो लयकारी का इंस्ट्रूमेंट है, और शिव जी ने तो इतना बहुत बड़ा काम किया है, तो वो समझ लेना एक बहुत मतलब मुश्किल बात है। तो उसके लिए ताल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो शिवजी भी कहा करते थे कि उसमें संतूर के बजाने में ऐसा है कि लयकारी है तो बस लयकारी करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें पहले आपको राग समझना चाहिए, पहले मेलेडी आना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसके साथ उसका मिलाप ऐसा कीजिए कि वो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं लयकारी मतलब लयकारी चालू है फिर उसको राग की तरफ ही कुछ ध्यान नहीं दिया और वो बहुत मतलब मैकेनिकल हो जाएगा। तो आप जो कह रहे थे कि तबले का मेरा जो है मतलब शिवजी तो ये जानते थे, उसकी वजह से ऐसा। और ऐसी एक बात थी कि शिवजी हर स्टूडेंट को अलग अलग उसके हिसाब से वो सिखाते थे, सभी को एक अंदाज से नहीं बजाते थे, क्योंकि हर एक का समझने का अंदाज अलग अलग होता है। तो जैसा जैसा हो, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ सिखाने से नहीं, बहुत हमको समझना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, उससे भी हमको कभी अभी ऐसा मैं तो कहता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा होता है कि हमारा गुरु एक हमें हमारा क्या हम कहते हैं कि साथ लेके हमारे एक स्थान तक ले जाता है, ऐसी जगह ले जाता जहां जहां वो सब क्लासिकल म्यूजिक का नॉलेज उसको आ जाता है। लेकिन उसके आगे फिर आपको भी खुद का अपना करना है, यही तो हमारे क्लासिकल म्यूजिक की खासियत है। क्योंकि हमारा म्यूजिक हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल है, तो उसमें ऐसा है कि जैसे हमेशा हम कहते हैं कि एक राग अगर अभी बजाया है और नेक्स्ट टाइम एक 5 मिनट में बजाया तो पूरा वो अलग सा होना चाहिए। तो ये बातें होने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें उसका पहला बहुत कुछ करना चाहिए। तो ये इसमें एक भाग ये है कि जैसे राग का है, रियाज का है, टेक्निक का है, उसके साथ ताल का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जितनी जरूर है उतना हो सकता। बिल्कुल, और बहुत सारे गुरु तो ऐसे हैं पंडित जी जो एक ही राग सिखाते हैं कई महीनों महीनों तक, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप एक राग में जब तैयार हो जाएंगे तो फिर बाकी रागों का रास्ता आसान हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शास्त्रीय संगीत कोई रटी हुई विद्या नहीं है कि आप गए और आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के किसी इक्वेशन की तरह उसको खटखट खटखट लिख के चले आए। वहां पर हर बार यमन आप आज जो गाएंगे वो जरूरी नहीं कि आप, जरूरी क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कल भी वही यमन गाएंगे, कल कुछ और यमन होगा, कुछ और ताने होगी। इसीलिए बहुत सारे हम लोग दिल्ली में थोड़ा जब गुरुओं से सीखने के लिए, मतलब जब बातचीत होती है, कुछ गुरु ऐसे मिलते हैं जो ताने भी याद करवा देते हैं कि ये ताने याद कर लो, जबकि शास्त्रीय संगीत सीखने का मतलब है कि ताने तो आप खुद तैयार करें, तभी असली मजा है और तभी समझ भी डेवलप होती है। पंडित जी एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि जब हम शिव जी का नाम लेते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा फलक जो है वो हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक में भी है। हम सब जानते हैं कि शिव हरि यानी पंडित शिवकुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी की जो जुगलबंदी रही, और क्या कमाल का संगीत उन्होंने फिल्मों में दिया। कभी आप लोगों से इस तरह की बात हुई कि हाँ फिल्म संगीत में क्या करना चाहिए, या अगर आप प्योर क्लासिकल बजा रहे हो, राग अहिर भैरव बजा रहे हो, या मान लेते हैं भीम पलासी बजा रहे हो, कोई भी एक राग जब स्टेज पर बजा रहे हो शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में, तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब 5 मिनट में आपको अपनी बात कहनी है और उसमें भी गाना भी है, उसमें तमाम दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, तब क्या करना चाहिए? कभी शिव जी से इस पर चर्चा हुई? बहुत बार मतलब होती थी। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा। अभी ऐसा है कि गुरु जी से ऐसा सिर्फ हमें संगीत ही नहीं सीखना है, और भी बहुत सारे सीखने को मिलती है। अभी जैसा है कि गुरु का सहवास जैसा होता है उतना हमें उसमें से भी बहुत सारी बातें लेनी चाहिए। और ऐसा था कि मतलब शिवजी बहुत मतलब अगर मतलब ऐसा नहीं था, काफी टाइम उनका अच्छा ही मूड हुआ करता था, मूड होता तो बहुत सारी बातें वो कहते थे, और उनके पास बहुत किस्से थे, बहुत सारी उन्होंने पहले कैसे स्ट्रगल किया, फिर उनके एक्सपीरियंस, उनके बहुत सारे उनको फिल्मों में जो कुछ किस्से ये बहुत हमको सुनाते थे। तो एक तो बात ये है कि वो तो मानते थे कि एक क्लासिकल म्यूजिक अलग बात है, फिल्म बजाना अलग बात है, लेकिन वो उन्होंने तो इतना फिल्मों में बजाया, तो फिल्मों में बजाना ये बिल्कुल वो कम असल नहीं मानते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। वो कहते थे कि 3 मिनट में या आपको कोई धुन बजानी है तो उसमें आपको वो उतने ही मिनट में सब कुछ दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्लासिकल में ऐसा होता है, एक राग है, हम 1 घंटा बजा सकते हैं, तो उसमें वो हम सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी होती है कि 3 या 5 मिनट में बजाना ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें आपके बजाने में एक्सप्रेशन आने चाहिए। वो तो हमेशा कहते थे कि हर किसी आदमी को फिल्म का कुछ उस टाइप का रिकॉर्डिंग का या कुछ एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसका क्लासिकल में भी उसका बहुत अच्छा असर हो सकता है, क्योंकि उसमें बजाने से आपके बजाने में एक्सप्रेशन आ जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसा खास करके हम संतूर का कह सकते हैं, तो हमने देखा है कि संतूर का तो फिल्मों में कितना यूज किया है, बहुत सारे मूड्स है, अलग अलग से सिचुएशंस में, बैकग्राउंड है, गानों में उन्होंने इतना कुछ बजाया है। तो उन्होंने मतलब ये सब कुछ सक्सेसफुली दिखाया है कि कैसे कर सकते। तो वो हमें, और सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि वो दोनों फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया। जैसे बहुत कम क्लासिकल म्यूजिशियंस है, शिवजी है, हरिजी है, सुल्तान, वो लोग हैं। तो उन्होंने ऐसा, ये लोग ऐसे है कि उन्होंने जब क्लासिकल बजाया तो उसमें वो लाइट म्यूजिक का कुछ, उन्होंने फिल्मों का ऐसा कुछ नहीं किया, राग बजाया तो उसका पूरा विस्तार राग के हिसाब से किया, और जब लाइट बजाया, लाइट या फिल्मों में बजाया तो वो पूरा फिल्म के स्टाइल से ही बजाया। मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल बात है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्लासिकल के आर्टिस्ट है जिन्होंने सिर्फ क्लासिकल में किया, मतलब वो तो बड़े ही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ कलाकारों का मैं कहता हूं कि ये उन्होंने दोनों का इतना अच्छी तरह से और एक दूसरे में फील्ड में इंटरफियर नहीं किया। मतलब क्लासिकल बजा रहे तो वो उसमें बजाएंगे तो उसका विस्तार है वो लाइट के हिसाब से क्या, ऐसा नहीं होगा, या फिर फिल्म में बजाना है तो वो पूरा क्लासिकल के हिसाब से, ऐसे नहीं, वो उसी के हिसाब से क्या। ये बहुत बड़ी बात है और शिव जी ने तो इसमें इतना काम किया है। तो वो हमेशा कहते थे कि एक तो फिल्मों में बजाना एक बहुत मुश्किल बात है और उसका रियाज भी अलग है। ये भी बात है कि दोनों टाइप में बजाने के लिए अलग सा रियाज लगता है, लेकिन उन्होंने दोनों में उनकी कमांड थी। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि जैसा भी हो रिकॉर्डिंग का और इसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्लासिकल में उसका फायदा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो खुद के बड़े इतने क्लासिकल के आर्टिस्ट थे, लेकिन वो मानते थे कि फिल्मों में बजाना ये बहुत अच्छी बात है और वो बजाना मुश्किल भी है। तो इसीलिए उनका जो म्यूजिक है वो इतना एवरग्रीन रहा, जो उन्होंने दोनों अलग अलग रखे। बिल्कुल। और तो जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ, जो मुझे किस्सा खुद शिव जी ने सुनाया था कि किस तरीके से 50 के दशक में एक कार्यक्रम में वो संतूर बजा रहे थे और महान निर्देशक वी शांताराम की बेटी वहां पर थी। उन्होंने वो संतूर पहली बार सुना, वो उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। उससे पहले उन्होंने कभी वो इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं था। और उसके बाद जब वी शांताराम झनक झनक पायल बाजे बना रहे थे तो किस तरह उन्होंने जाकर, मधुरा जी जब मुंबई गई तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ये इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए। फिर कैसे शिव जी ने मना कर दिया, बहाना कर दिया कि मेरा तो इम्तहान है, मैं तो इम्तहान में बिजी हूँ। और फिर फाइनली बॉम्बे से दोबारा उनके पास जब टेलीग्राम आया तब वो गए, और भारतीय फिल्मों के इतिहास में पहली बार संतूर उसी फिल्म में इस्तेमाल हुआ। और बजाने वाले कलाकार और कोई नहीं थे, वो कलाकार थे पंडित शिवकुमार शर्मा। और पंडित शिवकुमार शर्मा जी के शिष्य हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। और अगला सवाल, जो इस इंटरव्यू का मेरा आखिरी सवाल भी है, पंडित जी निनाद भी बजा रहे हैं संतूर, बहुत खूबसूरत बजा रहे हैं, क्योंकि आपसे तो बहुत आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन निनाद से फिर भी बातचीत कभी कभी मैसेज पे हो जाती है। कैसे देख रहे हैं आप निनाद की अभी जो यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा को? एक तो निनाद इंजीनियर है और लेकिन उसका पहले से ही बहुत बचपन से उसका संतूर की तरफ लगाव था। और जब वो स्कूल में था, बहुत छोटा था, तो ऐसा होता था कि हम उसे वो स्कूल में कोई फिल्मी गाना एक 5 मिनट का उनके एनुअल गैदरिंग में बजाता था। तो उस वक्त उसका भी बहुत छोटा था, 7-8 साल का ऐसा था, एक एक गाना कोई बजाता था उसका। मतलब स्कूल का भी सपोर्ट ऐसा था कि उन्होंने बहुत उसको एनकरेज किया। तो उससे उस वक्त जो मैं उसको वो गाना सिखाता था तो उसी वक्त मुझे समझ में आ गया, अरे ये बहुत उसका सेंस बहुत अच्छा है म्यूजिक का। और मैं जैसे वो बताता इमीडिएटली वो पकड़ लेता। तो 10वीं कक्षा में जब वो आ गया तो हमें उस वक्त तक पता चल गया कि उसमें ये बात है, ये कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ इसके साथ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है, ऐसे मैं हमेशा मानता था। और मुझे अभी ये सब नए जो लोग संगीत कुछ कर रहे हैं तो उनको मैं जरूर कहूंगा कि आप अगर इसमें करियर करना चाहिए तो जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ आपके पास कोई डिग्री होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बस आपके लिए मतलब करियर के लिए अल्टरनेटिव रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप करियर करते हैं उसमें एक जो एजुकेशन से क्या होता है, कल्चरल जो एक अलर्टनेस जो होता है, या एक आपके बिहेवियर में या आपके आप लोगों के साथ आपका बर्ताव जो होता है उससे बहुत अच्छा होता है, उससे एक अलग सा इंप्रेशन होता है। और अभी ऐसी बात है, निनाद ने भी इंजीनियरिंग किया, मैं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो उस वक्त फिर उसने मान लिया कि मैंने उसको बताया कि हाँ संतू में हम कुछ तुमको करना है तो जरूर करो, लेकिन उसके पहले कुछ हाथ में कुछ होना चाहिए। और उसने मान लिया, उसके साथ इंजीनियरिंग किया। और फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि बीच समय में एक दो बार शिवजी को सामने भी उसको बजाने का मौका मिला और शिवजी ने भी उसे वही बताया कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उसमें अभी तुम डिसाइड करो कि क्या करना है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक की ये बात ऐसी है कि इसमें बहुत टाइम स्पेंडिंग करियर है, बहुत टाइम लगता है। और अभी का जमाना तो फास्ट जमाना है, ग्लोबल है, तो इसमें ऐसा नहीं हो कि फ्रस्ट्रेशन आ जाए। लेकिन ये ऐसी बात वो हर किसी को नहीं बोलते, और करियर करना है तो वो कहते हैं कि वो तुम देख लो तुमको क्या करना है, लेकिन तुम्हारा जॉब तुम चालू रखो ऐसा कर। लेकिन इसको उन्होंने बताया कि नहीं तुम कर सकते। और फॉर्चुनेटली ऐसा अभी हो गया है कि वो इसमें करियर कर रहा है और अच्छा कर रहा है। उसके साथ मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी कोई स्टूडेंट्स उसमें अच्छे हैं, वो भी करियर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि शिवजी ने ऐसा हो गया कि उनके दो स्टूडेंट्स मेरे पास उन्होंने भेजे थे और तब से मेरा ये सिखाना शुरू हो गया। और वो चाहते थे कि संतूर का ऐसा ही उनके साथ जो शुरू हो गया है प्रवास, तो वो ऐसे चलता रहा है आगे, संतूर का अच्छा प्रसार होता रहा। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरे गुरु कोई भाई है उनके पास भी जो सीख रहे, तो ऐसा ये बहुत सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। इतनी बात हो गई निनाद की धनंजय जी की, चूंकि निनाद रागगिरी के प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू में शामिल हो चुके हैं और हमने उनको सुना भी है, जैसा मैंने पहले कहा था। तो एक हम क्लिप अभी चलाते हैं जिसमें हम निनाद का संतूर, आप लोग सुनिए। तो ये हमने सुना अभी निनाद का संतूर, युवा कलाकार हैं और जैसा अभी पंडित धनंजय जी बता रहे थे कि उनकी तालीम के अलावा निनाद को कुछ मौके मिले जब पंडित शिवकुमार शर्मा जी के सामने भी उनको कार्यक्रम करने का, बजाने का सुअवसर मिला और उन्हें आशीर्वाद भी मिला। आप अभी भी धनंजय जी ऐसा लगता है क्या, क्योंकि पंडित शिवकुमार शर्मा अब हमारे बीच नहीं है, मतलब उनका संगीत तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन अब पंडित जी सा शरीर नहीं है, अभी भी लगता है कभी जब संतूर बजा रहे हो किसी कार्यक्रम में तो ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद या उनकी कोई कही बात या वो बगल में उनकी मौजूदगी का एहसास होता है? आपने बहुत सच्ची बात कह दी, मन की बात। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि उनके संगीत के द्वारा तो हमारे पास है ही, लेकिन उनका अस्तित्व भी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं करीब 42 साल उनके साथ और मेरे जैसे पिताजी जैसे थे, और वो इतना वो हमारा केयर करते थे, मतलब म्यूजिक के अलावा भी उनके साथ ऐसा हमारा रिश्ता था कि जिंदगी में हम उनके बगैर कुछ सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी बात थी। उनके जाने के बाद अभी ऐसा है कि ये तो कभी ना कभी होने वाला है, हर किसी के बारे में है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में पूरा असर डाल देता। तो वैसे उनका व्यक्तित्व था। तो हमें, मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे अभी उनका फोन आ जाएगा, उनसे बातचीत होगी, उनके बोलने का अभी इतना उनका हमें आदत हो गई है कि बिल्कुल हम ये सह भी नहीं सकते कि हमारे पास नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि अरे ये अभी कोई हमसे गुरुजी के आवाज में बात करेगा, या बात कर रहा है। बजाते समय लगता है कि कोई स्पेशली ऐसा लगता है कि जब प्रोग्राम में बजाते हैं तो उस वक्त लगता है कि कहीं से उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी हमारे ऊपर नजर है। तो ये उनका ये अस्तित्व हमेशा हमको हम महसूस करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि संगीत तो है ही, वो तो सालों तक जन्म तक वो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हम उनके इतने नजदीक थे कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि वो शरीर से नहीं लेकिन वैसे भी हमारे साथ ही है। बिल्कुल रहेंगे वो, और उस तरह के जो विलक्षण कलाकार हैं वो सदियों में एक ही होते हैं। और मुझे तो याद है कि जब जिस इंटरव्यू का जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, हम फोन पे इंटरव्यू कर रहे थे, और जब इंटरव्यू में 40-45 मिनट वो लंबा इंटरव्यू होता था, क्योंकि जिस अखबार के लिए मैं वो इंटरव्यू कर रहा था उसमें 5 हफ्ते एक ही कलाकार के बारे में छपती थी कहानियां, तो लंबा इंटरव्यू था। मैंने समय भी लिया था उनसे लंबा, और काफी बातचीत के बाद जब मैंने उनको धन्यवाद कहा तो कहने लगे कि आप शाम को कार्यक्रम में आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि मेरे पास, लेकिन वो कार्यक्रम जहां पर था वो इनविटेशन वाला कार्यक्रम था, वहां पर निमंत्रण चाहिए था जाने के लिए। तो मैंने कहा पंडित जी मेरी आने की इच्छा तो बहुत है लेकिन मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और कहा कि आप इस नंबर पे बात कर लीजिए और शाम को आइए। तो मैंने वहां उनको फोन किया और मैंने बताया कि मुझे पंडित जी ने कहा है कि आप शाम को आइए। उन्होंने कहा बिल्कुल, और फिर मैं वहां पहुंचा, मुझे कुछ लोगों ने सहयोग किया, मैं कार्यक्रम में अंदर तक गया, और दिलीप जी थे उस दिन उनके साथ, जिनको आप अच्छे से जानते ही होंगे। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं जाके मैंने उनके चरण स्पर्श करके उनको बताया भी, मैंने कहा देखिए आपने मुझे आदेश दिया था कि आना है, तो मैं आया। और ये बदकिस्मती कही जाएगी कि ये उनका आखिरी कार्यक्रम जो मैंने अटेंड किया, मतलब लाइव, वो वही कार्यक्रम था। और फिर कोरोना आ गया, फिर 2-2.5 साल तो आप जानते ही हैं पूरी दुनिया किस तरह से किस मुश्किल हालात से गुजरी, पूरी मानवता किस मुश्किल हालात से गुजरी हम सब जानते ही हैं। बहरहाल पंडित जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी ढेर सारी दिलचस्प बातचीत हुई, शिव जी के बारे में इतनी बातचीत हुई, और साथ ही साथ हमने आपकी जो अगली जनरेशन में संतूर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं निनाद, उनकी भी बातचीत की। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, धन्यवाद।